मात्र 50 दिन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अतीक अहमद के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि कल देर रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी खत्म कर दिया गया प्रयागराज में। उन्हें जब पुलिस मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तभी रास्ते में 3 लोग आते हैं और धड़ाधड़ डिशुंग डिशुंग करके उनको खत्म कर देते हैं और उसके बाद वो जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। प्रयागराज में देर रात माहौल खराब होने की आशंका के चलते इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस दौरान पुलिस प्रशासन और बड़े उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। अतीक और अशरफ की जान जाने के बाद ओवैसी को गुस्सा आया और उन्होंने योगी सरकार की नाकामी बताई इसको। हालांकि इससे पहले जब अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को जब यूपी पुलिस ने मार गिराया था, तो उस पर भी ओवैसी ने रिएक्शन करते हुए कई सवाल उठाए थे। कहा था कि गांधी के कातिल को हमने गोली मारी किया। तो ये तो इस मामले पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। वैसे आपको बता दूं, सुपुर्द एक खाक कर दिया गया असद अहमद उसके बेटे को, और दफनाने के लिए नाना मौसा समेत 25 रिश्तेदार शामिल हुए। हालांकि इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। इत्तेफाक देखे कि जिस दिन बेटा सुपुर्द खाक हुआ, बेटे को दफनाया गया, उसी दिन पिता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का भी साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया कल रात को ही। अतीक को टपकाने का प्लान आखिर कब बनाया गया, इस मामले पर भी अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने पूछताछ की है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सफाई का माहौल चल रहा है और अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का काला साम्राज्य खत्म हो गया। 20 साल में 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी हथियाई थी। ईडी ने 100 से ज्यादा को जब्त भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की एक नई संविधान पीठ बनाई है और इस पीठ के द्वारा 18 अप्रैल से इस मामले पर सुनवाई होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे मान्यता दी जाती या नहीं। जो भी फैसला होगा वो तो मैं आपको बताई दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पर दुनिया की निगाह है। वो बोले कि अब भारत के युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम देश को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छा, वही बड़ी खबर है, ग्लोबल स्तर पर क्रिप्टो करेंसी पर होगी कार्यवाही। कानून के दायरे में लाने पर G20 सदस्य देशों में बनी सहमति। सिंथेसिस पेपर के जरिए अलग अलग देश अपने विचार रखेंगे। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ बताए और कहा कि EKYC से कर्ज देने की लागत भी घटी है। निर्मला सीतारमण बोले कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार कायम रहेगी, 2022-23 में 7% रहने का अनुमान है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि अब आपका मोबाइल देगा भूकंप का अलर्ट। केंद्र सरकार ने सभी फोन बनाने वाली कंपनियों को 6 महीने में मोबाइल फोन में इस तरह का नया सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं, एक ऐसी तकनीक पर काम चल रहा है जिससे कि आने वाले समय में भूकंप की जानकारी पहले से आपको अपने मोबाइल स्मार्टफोन पर पता चल जाएगी। और इस फीचर को सभी मोबाइल फोन में लागू करने के लिए सभी मोबाइल कंपनियों को आदेश भी जारी कर दिया है सरकार ने, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, वंदे भारत के बाद अब देश में दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेनें भी। 100 किलोमीटर से कम दूरी के 2 शहरों के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बात की जानकारी दी गई है। अच्छा, फास्टैग की रिकॉर्ड तोड़ सफलता पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों। देखिए, हमारे देश में फास्टैग ने हाईवे के टोल बूथ की सूरत ही बदल दी है। जब से फास्टैग शुरू हुआ उसके बाद टोल कलेक्शन भी 58% बढ़ा और लोगों की गाड़ियों का जो वेटिंग टाइम है ना, वो भी 8 मिनट से घटकर 47 सेकंड रह गया। अच्छा, बड़ी खबर है, दवाओं के नियमन का भारतीय मानदंड ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाया जाए। नीति आयोग ने सरकार से इस तरह की सिफारिश की है। मेडिकल उपकरणों से जुड़े नियमों के लिए अलग से संस्था भी बनाई जाए। वह देखिए, इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। 250 प्रलय मिसाइल से बढ़ेगा भारतीय सेना का रॉकेट फोर्स। 7500 करोड़ रुपए की लागत से 2 यूनिट बनाई जाएंगी। वायुसेना के लिए 1 यूनिट पहले से ही मंजूर है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है कि अब ChatGPT को टक्कर देंगे एलोन मस्क ट्विटर के मालिक। X.AI नाम से उन्होंने अपनी खुद की एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई है और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के टेक्सास में होगा। बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बोले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण सुधार की चर्चा को डिनर टेबल पर ले जाना होगा। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा ना, इस मसले को डिनर टेबल तक पहुंचाना होगा। यानी कि हर व्यक्ति की बातों में, लोगों के आपस की बातचीतों में जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा होना चाहिए, जिस पर हम सभी देशवासियों को मिलकर के क्लाइमेट चेंज को सुधारने में काम करना होगा। वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में देश के पीएम मोदी ने यह बात कही है। अच्छा देखिए, कल ही बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से 16 लोगों की जान चली गई। बिना पोस्टमार्टम के साथ सहू का अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन ने कहा कि डायरिया और फूड पॉइजनिंग इसकी वजह है। एक बड़ी दुर्घटना कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी हो गई। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। टोटल 39 लोग सवार थे। ओवरटेक करते समय यह बड़ा हादसा हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मृतकों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का एक नया रणनीति प्लान बनाया है। 100 से 120 सीटों पर महिलाओं को तरजीह देगी आम आदमी पार्टी। वैसे CBI ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया तो केजरीवाल बोले कि कभी नहीं हुआ शराब घोटाला, अगर मैं PM पर आरोप लगाऊं तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार करोगे। केजरीवाल ने कहा कि मैं बेईमान तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है।
वैसे आपको बता दूं, शराब नीति केस में आज सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री बोले कि ये जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद कल 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा ने एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया है। अच्छा, सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, अब हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में होगी सीआरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 13 क्षेत्रीय भाषाएं होंगी जिसमें, और हिंदी अंग्रेजी तो है ही, यानी कुल 15 भाषाओं में अब सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। और वो नई भाषाएं कौन कौन सी होगी जो भी आप देख सकते हैं, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू वगैरह वगैरह ना, तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं में होगी। और जनवरी 2024 अगले साल से ही ये भाषा का नया फॉर्मेट भी लागू होगा। देश के गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बैंक में आधार ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं अमरनाथ यात्री। 17 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तारीख मैंने आपको कल ही बता दी थी। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, सरकारी कंपनियों पर एक अच्छी खबर आ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लाभांश देने में सबसे आगे हैं, यानी कि निवेशकों को इनसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। 10 में से 7 सरकारी कंपनियां हैं डिविडेंड देने के मामले में। हिंदुस्तान जिंक ने 25.7% का डिविडेंड दिया। वैसे एचडीएफसी बैंक ने भी डिविडेंड देने का ऐलान किया है। निवेशकों को हर शेयर पर ₹19 का डिविडेंड मिलेगा। बैंक का 21% तक मुनाफा बढ़ा है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट जारी हो चुका है। नेट प्रॉफिट 20% के लगभग बढ़कर 12,000 करोड़ रहा। अच्छा, गुजरात में देखिए, मोहन भागवत ने अहमदाबाद में 1,051 ग्रंथों का लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बदलाव भारतीय परंपरा से अवगत कराने के लिए उठाए गए हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर अब आपको 3 नए सिक्योरिटी फीचर मिलेंगे। कंपनी ने इन फीचर को रोल आउट भी कर दिया है। यूजर्स अपने अकाउंट और चैट को ज्यादा सेफ यानी सुरक्षित रख पाएंगे। मेलवेयर वायरस की वजह से होने वाली धोखाधड़ी भी रुकेगी, तो यानी आपका व्हाट्सएप अब और ज्यादा सिक्योर होगा ना। अच्छा, वैसे Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.